नमस्कार। बरसात के बाद किस तरीके से गुलाब की कटिंग करनी है, कैसे उसकी रूट्स को एक्सपोज करना है, इसका पूरा प्रोसीजर मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। आपने नहीं किया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको प्रोसीजर कर लीजिएगा। उसके बाद अब हमें किस तरीके से उसमें लिक्विड मैन्योर देना है, ड्राई मैन्योर देना है, कैसे बनाना है, आज इसके बारे में बात करते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूं अंशना, वेलकम टू नार्मल। गुलाब की कटिंग के 10-15 दिन के बाद करीब आपको दिखेंगी नई नई पत्तियां आने लगी है और उस वक्त लिक्विड मैन्योर डालना शुरू करना है। लिक्विड मैन्योर बनने में भी 15 दिन लगते हैं, तो अब इसकी शुरुआत कर रही हूँ मैं। इसमें हमें क्या क्या चीजें डालनी है देखिए, और इसको 15 दिन तक हमें किस तरीके से मेंटेन करना है और फिर हमें उसको कैसे यूज करना है आखिर में बताती हूँ। वीडियो के आखिर में बनाएंगे हम रोज मिक्स। कोई भी ऐसा मटका ले लीजिए पुराना, चाहे तो आप प्लास्टिक की बाल्टी भी ले सकते हैं, और उसमें हमें कुछ चीजें डालनी है। या तो आप फ्रेश गोबर ले सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। ये मेरी घर की खाद है, किचन वेस्ट कंपोस्ट, मैं इसे यूज कर रही हूँ फिलहाल। गोबर की खाद भी आप ले सकते हैं, तो जो भी खाद लें क्योंकि उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होती रहती है, इसीलिए वो काम करता रहता है। करीब इतनी क्वांटिटी आप इस मटके में खाद की भर दीजिए। और ये है मस्टर्ड केक, यानी सरसों की खली। अभी ये ऐसे सॉलिड फॉर्म में, जैसे ये अंदर जाएगी पानी में ये डिसॉल्व हो जाएगी और मिक्स हो जाएगी। ये है बोन मील, थोड़ा कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। और फिर ये है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा किसी भी प्रकार के फंगस से हमारे इस लिक्विड मैन्योर को बचाए रखेगा। ये मेरे पास है देसी गाय का गौमूत्र। गौमूत्र जितना पेड़ पौधों को ताकत देता है उतना ही इंसेक्ट से भी बचा के रखता है, इसीलिए इसे हम लिक्विड मैन्योर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, गाय का ही गौमूत्र होना चाहिए, किसी और जानवर का नहीं। इसका हम आधा क्वांटिटी इसमें डालते हैं, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। अंदाज से करीब ये मैं आधा डाल रही हूँ और बाकी आगे के लिए बचा लेती हूँ। गौमूत्र जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। करीब आधा मटका मैं इसमें पानी से भर रही हूँ। और देखिए ये ऊपर से काफी खाली है, करीब यहाँ तक पानी भरा हुआ है इसके अंदर। इसको खाली रखते हैं ताकि जो भी थोड़ा सा फर्मेंटेशन होता है तो स्कोप रहे। किसी भी डंडे की मदद से इसको इस तरीके से हिलाते रहिए, दोनों डायरेक्शंस में हिलाएंगे तो अच्छा है, थोड़ा टाइम एक तरफ थोड़ा टाइम दूसरी तरफ। और उसके बाद किसी भी कपड़े से इसे ढक दीजिए, बांध दीजिए कपड़े को या रबर बैंड लगा दीजिए, और किसी भी छाया वाली जगह पर आराम से इसे पड़े रहने दीजिए अगले 15 दिन तक। बीच बीच में हर रोज इसके कपड़े को हटाइए, उस डंडे से वापस से करीब 15-20 बार क्लॉकवाइज घुमाइएगा, 15-20 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा। जितना हम इसको घुमाते हैं इसमें ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, तो जो भी माइक्रोब्स अंदर ग्रो कर रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन मिलता है तो ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। जितना ज़्यादा आप घुमाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका लिक्विड मैन्योर अच्छा बनेगा। अगर बिल्कुल बंद करके रखेंगे तो उसमें स्मेल आने लग जाती है। दिन में 2-3 बार इस तरीके से घुमा के फिर से कपड़ा लगा के इसे रख दीजिए। 15 दिन तक हमें इसी तरीके से घुमाते रहना है और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। इस बीच इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी हो गई, कई माइक्रोब्स डेवलप हो गए और ये सभी चीजों का एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर लिक्विड मैन्योर की तरीके से हमें मिल जाता है। 15 दिन बाद इसे छानेंगे और छान करके आप किसी भी बॉटल में भर के रख लीजिए, ये आराम से 6 महीने तक आपको काम आता रहेगा। इसको यूज करने का तरीका थोड़ी देर बाद बताती हूँ। पहले हम रोज मिक्स बना लेते हैं। बाजार में गुलाब में डालने के लिए रोज मिक्स आता है जो कि हर 15 दिन में डाला जाता है, लेकिन वो जो चीजें होती हैं वो हम घर में भी अपनी चीजें मिला के बना सकते हैं। तो क्या क्या चीजें डलती हैं रोज मिक्स में देखिए, उसे बनाइए और फिर इन दोनों चीजों को डालने का तरीका भी बताती हूँ। गुलाब के लिए ड्राई मैन्योर बनाने के लिए सिर्फ सूखी चीजों की जरूरत होती है। और सबसे पहले कोई भी खाद लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। ये है बोन मील, जितनी खाद है उसकी आधी क्वांटिटी बोन मील ली है मैंने,
और बोन मील के जितना ही यह है स्टेरामील। स्टेरामील में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, इसीलिए गुलाब के लिए बहुत अच्छा रहता है। एडिशनली इसमें डीएपी डाला जाता है रोज मिक्स में, लेकिन मैं क्योंकि डीएपी इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन आपको दिखाती हूँ किस किस्म का होता है। ये डीएपी नहीं है, इसकी बस थोड़ी सी क्वांटिटी ही डालनी होती है, पर उसके दाने कुछ इस किस्म के दिखते हैं जैसे साबूदाने के दाने होते हैं। और उसके बाद इसे मिक्स करके रख लीजिए, ये आपका ड्राई मैन्योर तैयार हो जाता है। ड्राई मैन्योर डालने का तरीका है कि आप गमले के चारों तरफ थोड़ा सा खुदाई कीजिए और सिर्फ एक चम्मच, सिर्फ एक टेबल स्पून धीरे धीरे गमले के चारों तरफ रिम के पास में इस तरीके से छिड़क दीजिए। कोशिश कीजिए कि ये प्रोसीजर आप शाम के वक्त करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो भी मैन्योर होता है उसमें कुछ गर्मी होती है। जो भी पौधे का बीच का हिस्सा है उधर मैन्योर मत डालिएगा, और उसके बाद अच्छे से पानी दे दीजिए, पानी भरपूर देना है। अब मैं आपको लिक्विड मैन्योर का तरीका बताती हूँ। इसे मान के चलिए कि आपने इसे छान लिया है, हिलाने के बाद 15 दिन के बाद आप इसे छान लेंगे। अभी मैं इसको तैयार करने के लिए छोड़ा हुआ है, इसलिए अभी मैं छान नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको प्रोसीजर दिखाने के लिए बता रही हूँ कि करीब एक कप अगर आप इसमें से निकालते हैं, अभी इसमें आपको ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं, छानने के बाद आपको ये नहीं दिखेंगे, ऐसा एक कप में ऐसे ही 10 कप आप पानी मिलाएंगे। तो ये जो मिश्रण हमारा तैयार होगा 1:10 का, ये मैन्योर है, ये लिक्विड मैन्योर है। इसे भी गमले के चारों तरफ बहुत आराम से छिड़क दीजिए, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से आपको बहुत सारा पानी देना है। पानी इतना दीजिए गमले में कि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भी खाद दी है वो नीचे तक पहुंच गई है। इस तरीके से गुलाब में हर 15 दिन में ड्राई मैन्योर और हर 15 दिन में लिक्विड मैन्योर डालते रहना है, लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं डालनी है, दोनों में थोड़ा गैप होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ऑल्टरनेटिवली डालते जाइए तो पौधे बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे फूल खिलेंगे। राजा है, मेहनत बहुत मांगता है, लेकिन ठीक है, अगर कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो चिंता नहीं करनी है। गार्डनिंग एक रिलैक्सेशन का काम है, चिंता का काम नहीं है। ठीक है, दो फूल कमाएंगे, लेकिन कभी कुछ मिस हो जाए तो चिंता बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए अमलान बाग के साथ, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वो देख लीजिए गुलाब की कटिंग के बारे में। मिलते रहिए, नमस्कार।